हेलो डेयर स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हम चैप्टर नंबर वन स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है पार्ट्स ऑफ स्पीच व्हेन वी स्पीक एंड राइट वी यूज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स देखो जब हम बोलते हैं और जब हम लिखते हैं तो हम अलग अलग तरीके के वर्ड्स यूज़ करते हैं वर्ड्स आर डिवाइड इन टू एट क्लासेस वर्ड्स को आठ क्लासेस में बांटा गया है अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस मतलब इनको एट क्लासेस में बांटा गया है किस बेसिस पे जिस बेसिस पे ये वर्ड्स जो हैं अपना अपना काम करते हैं एक सेंटेंस में ये क्या हैं ये एट क्लासेस कौन सी हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन से हैं तो पहला है नाउंस दूसरा है प्रोनाउंस थर्ड है एडजेक्टिव्स फोर्थ है वर्ब्स फिफ्थ है एडवर्ब्स सिक्स है प्रपोजिशंस सेवेंथ है कंजंक्शंस और एट है इंटरजेक्शंस These words classes are often called parts of speech. और ये जो eight classes में अपने word को बांटा हुआ है इनको हम क्या बोलते हैं इनको हम parts of speech भी बोलते हैं तो मतलब अगर आपसे कोई पूछ ले कि parts of speech बताओ तो ये eight parts होते हैं speech के इन एट पार्ट्स को हम समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले लेते हैं नाउन को अ नाउन इज़ अ वर्ड दैट नेम्स और रेफर्स टू अ पर्सन एक नाउन क्या है एक नाउन एक वर्ड होता है जो किसी को नेम देता है या किसी को रेफर करने के लिए हम यूज़ करते हैं चाहे वो पर्सन हो एनिमल हो प्लेस हो या कोई थिंग हो फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर डॉक्टर हम बता रहे हैं किसके लिए यूज़ कर रहे हैं एक पर्सन के लिए हॉर्स हम किसके लिए यूज़ करें एनिमल के, के, के लिए नेपाल हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं एक प्लेस के लिए एंड कंप्यूटर हम यूज़ कर रहे हैं एक चीज़ के लिए तो ये डॉक्टर हॉर्स नेपाल कंप्यूटर ये क्या है ये हैं बिकॉज नाउन्स क्या होते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोले तो नेम होते हैं ऑफ पर्सन प्लेस थिंग और एनिमल अब प्रोनाउन क्या होता है देखो बहुत बार ऐसे होता है कि हम नाउन नहीं यूज़ कर सकते सभी टाइम ऑल द टाइम ठीक है तो नाउन की जगह हम प्रोनाउन यूज़ कर लेते हैं प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन द नेम प्रो मेन प्रोनाउंस जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं आई यू ही शी इट, वी दे मी हिम, हर अस एंड देम ये सारे क्या हैं ये सारे प्रोनाउन्स होते हैं तो नाउन क्या हो गया नेम प्रोनाउन क्या हो गया जो हम नाउन की जगह यूज़ कर लेते हैं अब एडजेक्टिव की बात करोगे तो एक एडजेक्टिव क्या होता है एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी की विशेषता के बारे में बताता है ठीक है एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट टेल्स अस मोर या तो किसी चीज़ के बारे में थोड़ा ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें देता है या थोड़ी उसकी इम्पॉर्टेंस विशेषता के बारे में बताता है अबाउट अ पर्सन और थिंग फॉर एग्जाम्पल द वर्ड्स क्लेवर लार्ज फाइव दिस एंड सम ये सब क्या हैं ये एड्जेक्टिव हैं अ क्लेवर गर्ल तो यहाँ पे क्लेवर एक कैसी गर्ल क्लेवर गर्ल तो क्लेवर क्या हो गया एडजेक्टिव अ लार्ज हाउस कैसा हाउस बड़ा हाउस लार्ज तो लार्ज क्या हो गया एडजेक्टिव फाइव बुक्स कितनी बुक्स फाइव तो ये क्या हो गया एडजेक्टिव दिस कैमरा कौन सा कैमरा ये वाला कैमरा तो दिस क्या हो गया एडजेक्टिव सम मिल्क कितना मिल्क थोड़ा सा मिल्क तो सम क्या हो गया आपका एडजेक्टिव वर्ब क्या होते हैं वर्ब इज़ मेनली डूइंग वर्ड जो भी काम आप कर रहे हो जो भी क्रिया हम करते हैं उस क्रिया उस काम को हम वर्ब कहते हैं इट सेज़ वॉट सम्बडी और समथिंग डस किसी ने क्या चीज़ की कोई क्या चीज़ क्या आ, मतलब कोई भी काम वो कर रहा है वो काम उसका वर्ब है फॉर एग्ज़ाम्पल स्पीक मतलब बोलना सिंग गाना गो जाना टीच पढ़ाना लर्न याद करना ईट खाना ये सब क्या है ये सब वर्ब्स हैं अ फ्यू वर्ब्स लाइक बी एक वर्ब होता है बी ई बी वो कभी भी हम नॉर्मली बी की फॉर्म में नहीं यूज़ करते हैं उसकी अलग अलग फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है जब आप प्रेजेंट और पास टेंस में यूज़ करते हो एम इज आर ये प्रेजेंट टेंस में बी की फॉर्म होती है और वॉज वर पास टेंस में होती है रिमेन हैव एंड सीम ये क्या करते हैं ये वर्ब्स हैं जैसे Be, remain, have and seem ये एक्सप्रेस करते हैं स्टेट को या कोई कंडीशन को लाइक like कोई चीज़ कैसी है या अभी हो रही है या कब हुई थी वर्ब्स आर नॉट ऑलवेज सिंगल वर्ड्स हमेशा वर्ब जरूरी नहीं होता कि एक ही वर्ड का हो अ वर्ब may be made up of two और three वर्ड्स के बने हुए हो सकते हैं फॉर working इज़ तो वर्किंग और वर्किंग ये दोनों वर्ब्स हैं ठीक है हैज़ बीन वर्किंग तो हैज़ बीन वर्किंग ये पूरा वर्ब है एन एडवर्ब एडवर्ब्स क्या होते हैं एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट मेनली एड्स टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब जैसे एड्जेक्टिव किसी पर्सन या थिंग में मीनिंग ऐड करते हैं उसके बारे में थोड़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराते हैं वैसे ही एडवर्ब्स जो होते हैं ये मेनली वर्ब में मीनिंग ऐड करते हैं आपके क्रिया काम में मीनिंग ऐड करते हैं एंड सेज़ कि कैसे कब और कहाँ कोई चीज़ हुई है हाउ वेन एंड और वेअर ठीक है समथिंग हैपन्स फॉर एग्जाम्पल केयरफुली कैसे केयरफुली वेल नाओ टमोरो

ये कहाँ कब यूज़ होते हैं ये नाउन से पहले यूज होते हैं या प्रोनाउन से पहले यूज होते हैं क्या बताने के लिए हम प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं टू शो टाइम प्लेस मैथड एक्सेट्रा कंज़क्शंस क्या हैं ये जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं या लिंकिंग वर्ड्स या लिंकर्स भी इनको कहते हैं जैसे कि एन बर्ड्स दो बिकॉज एफ एन दो ये क्या करते हैं ये जॉइन करते हैं वर्ड्स को या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को अब इंटरजेक्शन की बात करें तो इज़ अ वर्ड स्पोकन सडनली एकदम से हम ये सडनली ये वर्ड बोलते हैं क्या एक्सप्रेस करने के लिए एक स्ट्रॉग फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए इट जो ओह हु वो है हलो

यूज बिफोर अ नाउन एक नाउन के पहले हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं टू तो शो विच पर्सन और थिंग ये डेटामाइनस क्या करते हैं ये ये बताते हैं ये शो करते हैं कि कौन सा पर्सन लाइक किस पर्सन या किस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं डिटामाइनज में द ए एन दस दीज डैट दोज एवरी ऑल बोथ सम एनीमाई यो वन टू एक्सेट्रा ये सब आ जाते हैं मोस्ट ऑफ द डिटामाइनर्स ऑलमोस्ट ऑल एक्सेप्ट द एंड ए और एन यूजली हम ए एन द को छोड़ के जितने भी रिटामाइनर्स हैं उनको एज एन एडजेक्टिव ट्रीट करते हैं इन ट्रेडिशनल ग्रामर को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा